एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए। तो फाइनली ये न्यूज़ आ गई है, द फर्स्ट एक्शन हीरो, द फर्स्ट ओरिजिनल एक्शन हीरो ऑफ बॉलीवुड, द ही मैन ऑफ बॉलीवुड, धर्मेंद्र जी के सुपुत्र और द एक्शन मैन, द सुपरस्टार ऑफ एक्शन, द 2.5 किलो का हाथ, सनी देओल के बेटे यानी कि द डैशिंग, द हैंडसम राजवीर देओल अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। द मोस्ट रेपुटेटेड एंड द मोस्ट रिस्पेक्टेड बैनर ऑफ बॉलीवुड यानी कि राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म के साथ। उस पिक्चर को डायरेक्ट करने वाले सूरज बरजात्या के बेटे अवनीश बरजात्या, यानी कि सूरज बरजात्या का बेटा और सनी देओल का बेटा। तो लेट्स सी द बरजात्यास एंड द देओल्स व्हाट मैजिक दे क्रिएट ऑन द स्क्रीन, बिकॉज द बरजात्यास आर नोन टू मेक अ फैमिली फिल्म, फैमिली वैल्यूज पे पिक्चर बनाते हैं और देओल्स और ऑल एक्शन हीरोज। तो लेट्स सी फैमिली और एक्शन मिले तो क्या धमाका होने वाला है जब ये फिल्म रिलीज होगी। हालांकि सूरज बरजात्या एंड द देओल फैमिली में सिर्फ धर्म जी ने ही राशि प्रोडक्शन के साथ काम किया है, बाकी किसी ने नहीं किया है, क्योंकि उनकी एक फिल्म आई थी 1970 में, ताराचंद बरजात्या वॉज द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर वॉज सत्यन बोस, जीवन मृत्यु, इट वॉज राखी जी फर्स्ट फिल्म और सुपर डुपर एक फिल्म हुई थी। उसके बाद ना सनी, बॉबी, अभय या करण देओल किसी ने राजश्री प्रोडक्शन के साथ काम नहीं किया सिवाय धर्म जी। तो अब राजवीर देओल राजश्री प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं, तो लेट्स सी व्हाट मैजिक हैपेंस ऑन स्क्रीन। हालांकि सबको पता है कि मैं देओल फैमिली का सबसे बड़ा फैन हूँ, डाई हार्ड फैन हूँ, सबसे बड़ी बात मैं एकदम लॉयल फैन हूँ। मैं उन सभी की फिल्में थिएटर में देखता हूँ और बैक टू बैक सनी देओल की फिल्म में 4 शोज देखता हूँ, बिकॉज आई एम अ डायर सनी देओल फैन। हालांकि जब धर्म जी फिल्मों में आए थे 1959 में, दैट टाइम आई वॉज नॉट बॉर्न, तो उनकी कुछ फिल्में मैंने टीवी पे, लैपटॉप पे या वीडियो कैसेट में देखी है धर्म जी की। बाकी की सभी फिल्म, बाकी सनी, बॉबी, अभय, करण की सभी की फिल्में मैंने थिएटर में ही सभी फिल्में देखी है। तो 1959 में धर्म जी ने अपना डेब्यू किया था डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी की फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे से। तब से लेके 2018 तक डायरेक्टर नवनीत सिंह की फिल्म दिल यमला पगला दीवाना फिर से, वहाँ तक धर्म जी की सभी फिल्में मैंने देखी है। और उसके बाद सनी देओल ने अपना डेब्यू किया था 1983 में डायरेक्टर राहुल रावल की फिल्म बेताब से, और उनकी आखिरी फिल्म थी 2019 में आई बेइज्जत कंबड़ वाली की फिल्म ब्लैंक। सभी फिल्में मैंने थिएटर में देखी बैक टू बैक 4 शोज। उसके बाद बॉबी देओल की फिल्म आई बरसात 1995 में, डायरेक्टर राजकुमार संतोषी, और उसकी आखिरी फिल्म अब तक की और डायरेक्टर साजिद खान की फिल्म हाउसफुल 4। सभी फिल्में मैंने थिएटर में देखी और उनकी जो वेब सीरीज आई थी आश्रम वो भी मैंने देखी। और उसके बाद अभय देओल ने अपना डेब्यू किया था 2005 में इम्तियाज अली की फिल्म सोचा ना था, फिर वहां से लेके उनकी आखिरी फिल्म अब तक की आई थिंक 2018 में आई नानू की जान, फरजार हैदर की पिक्चर थी। सभी फिल्में थिएटर में देखी। और उसके बाद 2019 में आई डैशिंग करण देओल की फिल्म पल पल दिल के पास, डायरेक्टर सनी देओल। तो ये सभी फिल्में मैंने थिएटर में देखी है, सभी की फिल्में। और करण देओल की फिल्में मैंने फर्स्ट डे बैक टू बैक 4 शोज देखी है। तो जाहिर बात है सनी देओल के डैशिंग सन, हैंडसम सन राजवीर देओल की फिल्म जब आएगी थिएटर में तो मैं बैक टू बैक 4 शोज डेफिनेटली देखूंगा, क्योंकि आई एम अ डाई हार्ड सनी देओल फैन, आई एम अ डाई हार्ड देओल फैन, आई एम अ वेरी लॉयल फैन। तो यस, विशिंग ऑल द वेरी बेस्ट टू द डैशिंग, द हैंडसम राजवीर देओल एंड डायरेक्टर अवनीश बरजात्या फॉर द सुपर ड्यूपर सक्सेस दे विल डेफिनेटली गेट व्हेन एवर दिस फिल्म रिलीजेज। इट विल क्रिएट अ बॉक्स ऑफिस मैजिक, बॉक्स ऑफिस में धूम मचा देंगे पिक्चर जब भी ये फिल्म रिलीज होगी। तो गाइज, ऑल द बेस्ट वंस अगेन टू राजवीर देओल एंड एंटायर देओल फैमिली एंड एंटायर राजश्री प्रोडक्शन। सो गाइज, यू नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन दिस बाय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।